हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जो है इंग्लिश का जो है पैसेज पे आधारित प्रश्नों का जो है जवाब देंगे द गंगा से, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि प्रश्नों का जो है जवाब कैसे देना है आपको जो है अपने बोर्ड परीक्षा में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो है आप लोगों का परीक्षा जो है होगा, और जो है आप लोग का जो है मार्च में जो है परीक्षा होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च 17 मार्च से जो है सभी बोर्ड परीक्षाएं जो स्टार्ट होंगी। तो संभवतः जो है मार्च अप्रैल में आप लोगों का परीक्षा होगा, तो इसलिए तैयारी को जो है ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए और इसके हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव रिसीव सो मच लव एंड अफेक्शन, मैंने द गंगा को जो है हम लोग इससे पहले जो है दो चैप्टर हम बता चुके हैं, पैसेज और पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द गंगा बाई जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो आई हैव रिसीव सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग। अब देखिए, इसमें हम लोग को जो है पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन पेपर में भी सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज पढ़ के इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि एक बार पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जो है पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है जो क्वेश्चन का जो जवाब देखना है पहले का जवाब देखिए, उसके बाद जो है पहले क्वेश्चन देखिए, तब तो इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट द आथर हैज रिसीव फ्रॉम द कंट्री मैन। तो कह रहा है इसमें कि जो है भारतवासियों से जो है जो लेखक है उनको जो है क्या गिफ्ट जो है रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे कि व्हाट प्रेशियस जो है गिफ्ट उनको क्या मिला है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है, पहले ही ऊपर देखिए कह रहा है कि आई हैव रिसीव फ्रॉम सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इन द इंडिड कैन बी, मैंने उनको जो है क्या रिसीव हुआ है प्रेशियस गिफ्ट, तो जो है लव एंड अफेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द मोस्ट, यहाँ से द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट द आथर हैज रिसीव फ्रॉम हिज कंट्री मैन लव एंड अफेक्शन, बस लव एंड अफेक्शन ला के जोड़ देना है, ठीक है। तो कंट्री मैन के बाद से लव एंड अफेक्शन जोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट हैज ओवरवेलमेड द राइटर ऑफ द लेसन, मैंने इस जो है पाठ के जो लेखक हैं वह भाव विभोर हो गए हैं, किस प्रकार भाव विभोर हो गए हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग इसका जो है आंसर देखेंगे कि कैसे वह भाव विभोर हो गए हैं। तो जो है ये जो है ये जो है यहाँ पे देखिए ओवरवेलमेंट दे रहा है ना, ओवरवेलमेंट। तो देखिए ओवरवेलमेंट शब्द कहाँ है पहले, ठीक है, ओवरवेलमेंट शब्द यहाँ पे देखिए है। तो यहाँ से जो है आप जो है आंसर दे सकते हैं कि अब देखिए आई हैव लेखक के लिए कहा जा रहा था, यहाँ पे लिखिएगा कि आथर हैज बीन, यहाँ आई के साथ हैव है, तो जब आथर लिखेंगे ना तो हैज बीन ओवरवेलमेड बाई इट आई कैन बाई इट, किसके द्वारा, कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट आई इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव आई सेल। यहाँ से ऑल क्लासेस सभी जो है वर्ग के लोगों से उनको इतना स्नेह और प्यार मिला है कि जो है वे क्या हो गए हैं, ओवरवेलमेड हो गए हैं। यहाँ से मतलब इसका जो है क्वेश्चन का जवाब कहाँ से होगा कि यहाँ से होगा मे हैव बीन आई थिंक अफेक्शन एडमायर सो हैव बीन जो है यहाँ से दे दीजिएगा, सो हैव बीन रिसीव बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज कम टू मी सच अबाउंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट, यहाँ तक जो है दे दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने आथर कहता है कि आई हैव बीन जो है रिसीव बट द मैंने मुझे जो है मैनी हैव बीन
मैनी मैनी हैव बीन, यहाँ से मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव जो रिसीव बट द जो अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस जो है इंडियन पीपुल, या जो है द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस इंडियन पीपुल हैज ओवरवेलम्ड द राइटर, ऐसे लिख सकते हैं, सही रहेगा, ठीक है ना, ओवरवेलम्ड द राइटर, यहाँ पे अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल, यहाँ से अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, द अफेक्शन ऑफ, यहाँ से दूसरा का, द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज इंडियन पीपुल, इंडियन पीपुल, द राइटर ओवरवेलम्ड, द राइटर ओवरवेलम्ड, मैंने सभी वर्गों के लोगों से जो है क्या देखिए ना यहाँ पे दिया है कि द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपुल हैज ओवरवेलम्ड द राइटर, ठीक है ना, तो यहाँ से जो है मैंने इसी में से देना है, तो कैसे देंगे, तो यहाँ पे दे दीजिएगा, ये मान लीजिए आपको जो है कुछ समझ में नहीं रहा है, वेलमेंट आ रहा है ना, तो वेलमेंट, अब यहाँ से जो है आप लोग जो है लिख सकते हैं मैनी हैव बीन जो है एडमायर सम लव एंड, ठीक है ना, तो यहाँ से लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बस यहाँ से लिख दीजिएगा। अब इसके बाद से देखिए कह रहा है कि व्हाट डज द आथर ओन टू हिज जो है कामरेड्स एंड द कलेजियस, मैंने कामरेड मैंने साथी और जो है सहपाठियों से जो है उन्होंने जो है क्या जीत लिया है, तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि द आथर ओन्स डीपर डेप्थ ऑफ द ग्रेटिट्यूड टू हिज जो है कॉमरेड एंड कलेजियस बिकॉज दे हैड बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन द ग्रेट वर्क एट एंड इन द जो है ट्रेम्फस एंड द सारो, तो यहाँ पे देखिए कहीं दिया है ये सब शब्द क्या, यहाँ पे जो है कह रहा है कि होप कॉमरेड्स एंड द कलेजियस, यहाँ पे देखिए कहीं कॉमरेड और कलेजियस का जो है नाम है पीपुल, कॉमरेड एंड कलेजियस, कॉमरेड्स एंड कलेजियस कहीं हैं, करेजियस यहाँ पे है ना, कॉमरेड्स एंड कलेजियस टू माई जो है इम्यूमेरेबल जो है कॉमरेड एंड कलेजियस आई ओन इवन डीपर डेप्थ है क्या है बीन जो है डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो यहाँ पे यहाँ से दे दीजिए टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड एंड कलेजियस कलेजियस ओन एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ जो है ग्रेटिट्यूड वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन द ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शॉर्ट, बस यहाँ तक जो है लिख दीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, तो जो है ये हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है क्या द आथर ओन, ठीक है, द आथर ओन इज कॉमरेड एंड कलेजियस, ठीक है, द आथर ओन इज कॉमरेड एंड कलेजियस कलेजियस इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड इवन कलेजियस ओन ए, बस यहाँ से जोड़ दीजिएगा ओन ए ओन एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ जो है ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना, डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड ओन एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, यहाँ जो है इसमें जोड़ दीजिएगा बस कि द आथर ओन टू हिज कॉमरेड एंड कलेजियस डीपर डेप्थ माने गहराई से ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता पूर्वक जो है कृतज्ञता को जीत लिया है, ठीक है ना, तो यहाँ तक जो है यहाँ से जो है लिख देंगे टू विन माई इनर यहाँ तक, ठीक है, तो काम चल जाएगा, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द राइटर होप इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, मैंने राइटर जो है क्या आशा करता है अपने पूरे जीवन में जो है करने के लिए, ठीक है ना, तो अपने पूरे जीवन के सालों में जो क्या आशा करता है रिमेनिंग ईयर्स, देखिए ना है कहीं रिमेनिंग ईयर्स, कहीं ना कहीं जरूर होगा रिमेनिंग ईयर्स, ठीक है ना, ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव जो है शेयर द ट्रिम्फस एंड सारो विद द कंपनी आई लाइक कंट्री मैन बाय द,
मैन नहीं है ना, नहीं है तो इसको तो अपने पास से देना पड़ेगा तब। रिमेनिंग ईयर नहीं है तो क्या करेंगे? इन है कि व्हाट डज द राइटर होप इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ, मैंने पूरे वर्षों में अपने बाकी समय में वो क्या करना चाहता है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग ईयर, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से दे दीजिएगा कि द राइटर होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज जो है लाइफ ही वुड नॉट बी अनवर्दी ऑफ हिज पीपुल एंड देयर अफेक्शन। अनवर्दी, अयोग्य नहीं होगा और जो है क्या हो गए, मैंने अनवर्दी मैंने होता है अयोग्य ऑफ हिज पीपुल, अपने लोग के देयर अफेक्शन, उनके लगाव के, उनके प्रेम के, उनके लगाव के जो है अनवर्दी नहीं होंगे कभी भी। ठीक है ना? ठीक है, तो इसका तो यही जो है जवाब दे दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा अनवर्दी है। क्या है अनवर्दी? रिमेनिंग ईयर है इधर। द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, आई सेल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन। यहाँ तो यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है ना? ये वर्ड और द राइटर होप इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ। द राइटर यहाँ से जो है लिखेंगे कि वर्ड और द मैंने क्या करना चाहता है। द राइटर होप इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ, राइटर जो है अपने रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ जो है ऑफ हिज लाइफ ही कैन ओनली, ही जोड़ देना, आई के जगह पे ही जोड़ देना है, कि वह जो है कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स कि ही मे लिव, अब आई को यहाँ पे ही बना दीजिएगा, ही मे लिव ही शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ हिज पीपुल एंड देयर अफेक्शन। हिज माई को हिज में बदल दीजिएगा, हिज पीपुल ऑफ देयर अफेक्शन, मैंने अपने वह जो है अपने भारतवासियों के प्यार और स्नेह के जो है अयोग्य कभी नहीं होंगे बाकी समय में। ठीक है ना? तो ये जो है भर देना है। इसके बाद से जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ, मैंने मरने के बाद से जो है राइटर का क्या जो है डिजायर है, इच्छा है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, मरने के बाद से अपडेट, आई डिड जो है शुड लाइक माई बॉडी टू बी जो है क्रिमिटेड, मरने के बाद से जो है उनकी इच्छा है कि वह जो है चाहते हैं कि मुझे जो है क्या किया जाए, बॉडी माई क्रिमिटेड, मेरे जो है थी बॉडी को जो है जला दिया जाए। आई डाइड बिफोर कंट्री, आई डाई इन ए फॉरिजन कंट्री, और यदि मैं जो है विदेशों में मरता हूँ तो जो है क्रिमिटेड वहीं जो है दफना दिया जाए। शुड बी जो क्रिमिटेड देयर एंड माई जो है क्रिमिटेड मैंने जला दिया जाए, एंड माई जो है असेस सेंट टू द इलाहाबाद, और इलाहाबाद में तो व्हेन आई डाइड, तो जो है यहाँ पे हम लोग जो है कैसे यहीं पे है जवाब उसका कि व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ मैंने द यहाँ से जोड़ देंगे कि द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ डेथ कि मैंने मरने के बाद से आफ्टर हिज डेथ बॉडी हिज क्रिमिटेड, उनके जो है शरीर को क्या किया जाए, जला दिया जाए। बॉडी हिज है यहाँ से कि हिज बॉडी आफ्टर दैट बॉडी टू बी क्रिमिटेड, आफ्टर दैट बॉडी टू बी क्रिमिटेड, उनके जो है दे मरने के बाद से उनके जो है बॉडी को जला दिया जाए। इफ़ आई डिड, और ये भी है उनकी इच्छा यहाँ तक, तो यहाँ तक जो है
जोड़ दीजिएगा, बॉडी टू बी क्रीमेटेड और यहाँ तक, और जो उनके राह को जो क्या इलाहाबाद में जो है दहवा दिया जाए, ठीक है ना। इसके बाद से है, हाउ डज द राइटर वांट हिज बॉडी टू बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ, यह सब हो जाएगा। वेयर शुड हिज जो है असेस बी सेंट इन केस केस ही डाइज इन ए जो है फॉरिजन कंट्री, इसी में है ठीक है ना। क्या है, यही है कि जब जो है इफ़ आई डाई इन जो फॉरिजन कंट्री, यहाँ से दे देंगे ठीक है ना। इफ़ आई डाई इन फॉरिजन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एनी माई जो है असेस सेंट टू जो इलाहाबाद, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कह रहा है कि यदि वो विदेश में मरना चाहें तो क्या इच्छा जताए हैं, ठीक है ना। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोट पीस हैज़ बीन जो है टेकन, हु इज़ द आथर ऑफ जो है लेसन। तो हु इज़ द आथर ऑफ लेसन जो है कौन है, तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं। आर द पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्राम, कहाँ से लिया गया है, तो यह पैसेज तो द गंगा से लिया गया है, ठीक है ना। तो द पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्राम गंगा, हैं द एबव नोटेड पीस हैज़ बीन टेकन फ्राम द लेसन गंगा, ठीक है ना। ऐसे दे सकते हैं कि द एबव नोटेड पीस हैज़ बीन पेसेस पेसेस पीसेस हैज़ बीन टेकन फ्राम द लेसन द गंगा द आथर ऑफ हिज आथर ऑफ दिस लेसन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके जो है लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। बस ऐसे ही आप लोग को जवाब देना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पैसेज भी है, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पैसेज है, यहाँ से जो है ये पैसेज जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद से देखिए ये भी जो है पैसेज जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 16-2-3 साल के अंतराल में पूछा है। देखिए 2011 से 12 में, 12 12 में 4, 16 साल के बाद से, मैंने 4 साल के बाद से फिर 2 साल के बाद से पूछ दिया है, तो 2 साल के बाद से कहीं 3 साल के रेंज में पूछ सकता है, ठीक है ना। कहीं 2021 में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी देख लीजिए आप लोग, तो इसको देखिए इसमें है कि एंड दो अब इसमें भी जो है पहले क्वेश्चन पढ़िए, तब जो है उसको पैसेज को पढ़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द आथर ऑफ हिज लेसन। तो इसका जो है जवाब ऐसे ही देना है कि द पैसेज हैज बीन टेकन, द पैसेज विच एबव पैसेज हैज बीन टेकन, तो द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द गंगा। द यहाँ से लिखिएगा कि द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द गंगा, ठीक है ना। फ्रॉम द गंगा, फ्रॉम द लेसन गंगा, ठीक है ना। फ्रॉम द लेसन द गंगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा, फ्रॉम द लेसन, फ्रॉम द लेसन द गंगा, द आथर ऑफ हिज लेसन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई हैज नेहरू डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, मैंने हो गया कि हाउ व्हाई हैज नेहरू डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाई हैज नेहरू डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, नेहरू ने जो है अतीत की परंपराओं को क्यों त्याग दिया। तो नेहरू जो है अतीत की परंपराओं को जो है क्यों त्याग दिया है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिशन एंड आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड आई एम जो एन एक्सेसियस दैट इंडियन शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकलेस दैट बीन एंड द कंस्टेंट, मैंने कहा एंड थ्रू आई हैव, यहाँ पे द नेहरू, यहाँ पे द नेहरू थ्रू चाहे नेहरू नेहरू आई हैव, नेहरू जी कहते हैं कि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, हमें जो है क्या थी कुछ पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को जो है त्याग देना चाहिए एंड कस्टम, ठीक है ना। एंड एम एक्सियस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकलेस दैट बाइंड एंड जो कंस्टेंट
हर एंड जो है डिवाइड हर पीपुल एंड जो है सप्रेस वास्ट वेस्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। मैंने जो है इसलिए ताक देना चाहिए क्योंकि ये पुराने रीति रिवाज हम लोगों को जो है क्या करे हुए हैं, एक में जकड़े हुए हैं, और जो है मैंने जंजीरें हैं, विकास की जंजीरें हैं जो बढ़ने नहीं देते हैं, विकास नहीं होने देते हैं पुरानी परंपराएं। इसलिए जो हम लोग को इन पुरानी परंपराओं को त्याग देना चाहिए। बस वो यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से और यहाँ तक जो है यहाँ से मैंने शुरू कीजिएगा, नेहरू आई हैव रिसीव मोस्ट जो है पास्ट, यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से इतना लिख देंगे काम चल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रिड हर सेल्फ ऑफ। मैंने जो है व्हाट डज ऑथर वांट इंडिया गेट टू हर सेल्फ ऑफ, मैंने वह क्या जो है छुड़वा देना चाहते हैं भारतीय लोगों से। तो यही जो है जो पुराने रीति रिवाज है परंपराएं हैं उनको जो छुड़वा देना चाहते हैं। ठीक है ना, यही तो होगा। थाट आई सी कॉल दे नॉट विस द कम्प्लीटली ग्रेट कैन बीन द कॉन्सियस गेट रीड हर सेल्फ, यही जो है छुड़वा देना चाहते हैं। है क्या है, गेट रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकलेस दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट वह, यहाँ से दैट इंडियन शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकलेस दैट द बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर एंड द डिवाइड हर जो है पीपुल एंड सेपरेट वेस्ट नंबर देम, यहाँ तक जो है लिख दीजिएगा ठीक है ना, यहाँ से कैसे जोड़ दीजिएगा कि द ऑथर वांट इंडियन टू गेट रिड हर सेल्फ दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हियर रीड हर सेल्फ तो हो ही गया, दैट लिखिएगा। उसके बाद से दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस वेस्ट, यहाँ तक डैम जो उनको बांटता है अलग करता है ठीक है ना। इसके बाद से जो है आगे देख लेते हैं हम लोग ठीक है। तो 1 मिनट पन्ना पलट दें ठीक है। इसके बाद से जो है क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साफ नहीं दिख रहा है ना, व्हाट इज द राइटर कॉन्शियस ऑफ, मैंने राइटर कॉन्शियस कैसे हो गए। तो इसका जो है चौथा जो है जवाब देखिए कैसे है, अब यहीं से देख लीजिए, पन्ना पलटने में दिक्कत हो रहा है कि द राइटर इज जो है कॉन्शियस ऑफ दैट द टू दैट ही टू लाइक ऑल ऑफ अस इज ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन विच जो है गोज बैक टू द डाउन ऑफ ऑफ हिस्टोरी इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के अतीत को याद दिलाता है ठीक है ना। पास्ट ऑफ इंडिया मैंने जो भारत की अतिथि को जो है याद दिलाता है कॉन्शियस ठीक है। इसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट गिव्स इंस्पिरेशंस ऑफ द जो है राइटर, राइटर जो है क्या जो है इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो द 5वां है ना, गिव इंस्पिरेशन, तो द अनब्रोकन चैन गिव्स इंस्पिरेशन टू द राइटर, राइटर को जो है अनब्रोकन चैन, जो अनब्रोकन चैन का मतलब होता है अटूट कड़ी ठीक है ना, जो अटूट कड़ी है वह हमको राइटर को जो है क्या इंस्पिरेशन देता है, प्रोत्साहन देता है ठीक है ना। इसके बाद से है कि व्हाट इज द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर टू इंडियंस जो कल्चर इनहेरिटेंस, व्हाट इज द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर टू इंडियंस जो है कल्चर इनहेरिटेंस। इसका मतलब है कि भारत के सांस्कृतिक विरासत में
लेखक का आखिरी इच्छा क्या है? इनहेरिटेंस माने संस्कृति विरासत, होमेज माने आंतरिक आखिरी इच्छा, माने भारत के संस्कृति विरासत में लेखक का जो है आखिरी इच्छा क्या है? कल्चरल माने होता है संस्कृति, तो संस्कृति विरासत में जो है लेखक का जो है क्या है अंतिम इच्छा है? तो यहाँ पे देखिए, द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर टू इंडियन कल्चर इनहेरिटेंस वाज दैट द वांटेड ए हैंडफुल ऑफ हिज जो है असेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, द लास्ट होमेज ऑफ ऑथर टू इंडियन कल्चर। देखिए इसमें से जरूर कहीं ना कहीं मैंने आपके गद्यांश में हाई कल्चर इनहेरिटेंस जरूर गद्यांश वहाँ मिलेगा, ठीक है ना? और जहाँ ये मिलेगा वहीं से जो इसके आसपास जो क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है ना? इनहेरिटेंस देखिए ना, कल्चर इनहेरिटेंस जरूर गद्यांश वहाँ मिल जाएगा आपका, देखिए ना। तो दिखाते हैं आप लोगों को, इनहेरिटेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कल्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनहेरिटेंस जो है मिलेगा, डेवलपमेंट बॉडी माई सेल्फ द पास्ट की कंप्लीटली एनर्जी जो है इनहेरिटेंस है, मिल गया। इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आई टुक लाइक आई एम लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज बैक द डाउन ऑफ हिस्टोरी इन द जो है इमेमोरियल पास्ट ऑफ द इंडिया, यहाँ तक जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस आई एम, यहाँ से आई एम जो है प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज जो है आवर आई एंड जो है कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम ए लिंक इन द जो अनब्रोकन चैन विच गोज बैक टू मी द डाउन ऑफ हिस्टोरी इन द जो है इमेमोरियल पास्ट ऑफ द इंडिया। इमेमोरियल पास्ट मैंने होता है भूत की यादें, ठीक है ना? भूत का याद दिला देता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार जो है ये दो गद्यांश बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट थे, ठीक है ना? तो इसके क्वेश्चन आंसर का जो है जवाब कैसे देना है आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही जो है आप लोग को इसका जवाब देना है, इसी पैसेज में से जो है जवाब देना है, ठीक है ना? इसके बाद से कोई खास इम्पोर्टेंट जो है गद्यांश नहीं दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद से जो है दिया है गद्यांश आपका क्या है, कि यही है ना आपका गद्यांश है ग्रहवा, ये है गद्यांश आपका कि द गंगा इंस्पिरेशनली, और 2019 में पूछा था 12, 14, 5, 19, 19, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? इसके बाद से जो है इसको जो है अगला देख लीजिए, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सक्रांति को कल देखेंगे, ठीक है ना? ये 2015, 2017 और 2021, 3 साल बाद को यही पूछ सकता है कि सिमिलिंग। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो है सबसे ज़रूरी है कि इस चैप्टर का पहचान करना। तो पहचान देखिए, गंगा पहचान चिन्ह देखिए, इसमें गंगा आ रहा है, नेहरू आ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये द गंगा से है और नेहरू जी इसको लिखे हैं, ठीक है ना? मैंने कुछ ऐसा ही अपना जो है मार्का कर लीजिएगा कि किस गद्यांश में क्या जो है मिल जाएगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि जो है ये किस चैप्टर का है। जैसे कि लेंचो में अधिकांशतः लेंचो का नाम आएगा, ठीक है? उसमें लेंचो अधिकांशतः आएगा, ठीक है ना? फसल वसल के बारे में, हेल स्टोन के बारे में, ये सब जो है आएगा, ठीक है? तो लेंचो का जो है पता चल जाएगा। गांधी इसमें जो है नेहरू वाले में नेहरू जरूर आएगा, और नेहरू नहीं तो गंगा वगैरह जरूर दिया रहेगा पैसेज में। तो इससे आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ से ये जो है लिया गया है, ठीक है? और इसके बाद से जो है आप लोग को जो है अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर हम लोग जो है देखेंगे सुकरात का, ये लास्ट चैप्टर रहेगा सुकरात का, ठीक है ना? तो कल देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए जो है इसको जो है कल देखेंगे। और जैसे भी है दोस्तों, इसको जो है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करके आदमी वीडियो बनाता है, और इस ठंड में जो है
वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आदमी बनाता है, क्योंकि यूट्यूब से दोस्तों अभी कोई हमारी अर्निंग नहीं है, कोई खास अर्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जैसे भी है जितना आ रहा है उतना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।